हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, इस टाइप की एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप ही इस टाइप की एडिटिंग खुद के मोबाइल फ़ोन से कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पहले फ़ोटो कैसा था और एडिटिंग करने के बाद कितना मस्त हो चुका है फ़ोटो। तो इस वीडियो में पूरी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल की गैलरी में से जिस भी फ़ोटो को एडिट करना है, उस फोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ ओपन। स्नैपशीट एप्लीकेशन पर ओपन कर लेना है। करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टर्न इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने को कॉन्टेस्ट को 15 रख लेना है और सेचुरेशन को अपने को 52 कर लेना है और एम्बिनेंस को 37 या 36 कर लेना है और हाईलाइट को 42 कर लेना है और शेडो को -19 कर लेना है। ऐसा करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टर्न इमेज पर क्लिक कर देना है, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और अपने को इसे अपनी स्क्रीन पर कर लेना है ताकि स्किन ग्लो करे। तो इसके लिए मैं स्किन पे कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा स्क्रीन पे इसे कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ऐसा करने के बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद अपने वापस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस टेस्टर को अपने को -30 कर लेना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। वापस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने को आ जाना है लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसे कर देना है बिल्कुल छोटा। छोटा करने के बाद नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद अपने को इस बल्लर को अपने को कर देना है कितने 12 पे रख लेना है और अपने को विंटेक्स स्टेक्स को अपने को बढ़ा देना है, इन्हें 100 कर लेना है। 100 करने के बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और इसे तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वही एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बल्लर पर क्लिक करने, ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इससे जो बैकग्राउंड है उसे अपने को बल्लर कर लेना है बिल्कुल लाइटली, यानी कि नाइट लुक देना है। तो इसे बल्लर कर लेना है नाइट लुक देने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ऐसा करने के बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद बैक वाले ऑप्शन पर आ जाना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, विंटेंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 12 पे रहने देना है और सैचुरेशन को एकदम माइनस कर देना है, यानी -100 कर देना है और जो विंटेंग स्टेक से इसे 10 पर रहने देना है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, विंटेंग पर क्लिक करना है, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अपने को इसे साइड में दिख रहा है इस गोल गोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने को स्क्रीन से इस कलर को हटा लेना है। मैं हटा लेता हूँ, आप भी हटा लीजिए। अगर आपकी फ़ोटो में दो कलर हैं तो एक कलर को तो इसमें से हटा लेना है, यानी एक कलर में से रिमूव कर लेना है, एक कलर को चेंज करना है। तो मैं एक कलर को रिमूव कर लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो।
तो ऐसा करने के बाद कितना मस्त फोटो लग रहा है। उसके बाद अपने को इस बीच वाले जो कलर बचा है उसमें कलर करेंगे तो और भी मस्त लगेगा। तो ऐसा करने के बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। उसके बाद वापस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वापस इस टर्न वाले ऑप्शन, टर्न इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। तो वाटर मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे माइनस कर देना है, 95 तक रख लेना है, 94 या 95 पर रख लेना है और शैडो को घटा देना है। शैडो को माइनस में रखना है, माइनस ट्वेंटी के बाद, और हाईलाइट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को रखना है 20-30 और एम्बिनेंस को रख लेना है अपने को 20 और सेचुरेशन को अपने को घटा देना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है और इसे रखना है 100 कर देना है, सेचुरेशन को 100 कर देना है, कॉन्टेस्ट को 15 रख देना है। ऐसा करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और आप इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, वॉइस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, टर्न में क्लिक करके, ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपने को जो बच रही है उसका कलर चेंज करने के लिए अपने को इस पर फिर लेना है, 100 करने के बाद इस पर कर लेना है जो बची है दो कलर है अपनी इमेज में। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त फोटो हो चुका है। ऐसा करने के बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वापस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वापस अपने को वाटर मार्क है उसे माइनस कर देना है, -18 पे कर देना है। ऐसा करने के बाद अपने को जो सेचुरेशन है उसे बढ़ा देना है। ऐसा करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है, यानी कि बैकग्राउंड भी अपना ब्लू ब्लू सा हो चुका है। तो इसके लिए तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, वॉइस एडिट पे क्लिक करना, टर्न ऑन पे क्लिक करना, टर्न इमेज पे क्लिक करने के बाद ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इस गोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने को जो अपने स्क्रीन पर जो कलर आ चुका है उसे हटा लेना है। तो हटाने के लिए अपने को जूम करके हटा लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी हटा लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो गाइस कितना मस्त फोटो हो चुका है जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके बाद अपने को ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है और कितना मस्त फोटो हो चुका है इसकी। थोड़ा सा फेस को ग्लो करने के लिए अपने को टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने को इस पर फेस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसकी जो साइज है उसे कम करके फेस की ग्लो यानी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। फिर प्लस के टाइप करके स्क्रीन पर टाइप करना है, टाइप करके इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, टाइप करके ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। कितना मस्त फोटो हो चुका है। देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ पहले कैसा था ये। देखिए गाइस कितना मस्त फोटो हो चुका है। तो उसके बाद अपने को यहाँ से डन कर देना है। डन करने के लिए अपने डन ऑप्शन आ रहा है, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।